लेते हैं और अगर हम पानी इसको कंजर्व कर लेते हैं तो इनडायरेक्टली जो सिल्टिंग लोड है मंगला और तरबेला में वो भी कम हो जाएगा, नेक्स्ट सॉयल इरोजन कम हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट, एक हमने पायलट प्रोजेक्ट किया, अनटिल अनलेस यू शो द रिजल्ट्स या डेमो करें उस वक्त तक लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमने बाग डिस्ट्रिक्ट में एक चित्रा टोपी यूनियन काउंसिल है उसमें एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट विद ऑक्सफेम और एक लोकल एनजीओ थी उसके थ्रू इम्प्लीमेंट करवाया। एक रूरल हेल्थ सेंटर, नेक्स्ट, रूरल हेल्थ सेंटर है, बॉयज़ हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है और कोई 20-25 घरों को उन्होंने वाटर टैंक्स भी दिए। तो वो पूरी यूनियन काउंसिल जो वाटर स्केयर्ड यूनियन काउंसिल थी 6500 फीट हाइट पे थी और वहाँ पे टॉप पे कोई वाटर सोर्स नहीं था। तो नाउ दीज पीपल आर वेरी हैप्पी। उस रूरल हेल्थ सेंटर में अभी अगर आप जाएं उस हाई स्कूल में जाएं तो आपको वहाँ पे पानी का इशू नहीं मिलता, जबकि उससे पहले ये था कि हर वक्त वहाँ पे जो उनका पीएन है या जो भी केयर टेकर है वो पानी लाने में ही उसका पूरा दिन गुजरता था। नेक्स्ट, दीज आर फ्यू फोटोग्राफ्स जो उस गांव के हैं। नेक्स्ट, इसके लिए हमने कुछ गाइडलाइंस बनाई, टेक्निकल गाइडलाइंस, जाहिर है लोगों को गाइड करने के लिए कि किस तरीके से एक आम आदमी के जहन में आता है। तो टेक्निकल गाइडलाइंस, ये ब्रोशर्स आपके अवेलेबल हैं बाहर, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। नेक्स्ट, एज ए वे फॉरवर्ड, फिर उस छोटे पायलट प्रोजेक्ट से वी थॉट के वाई नॉट टू रेप्लीकेट दिस एट ए लार्ज स्केल पूरे अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया में। अभी हम वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन 20 यूनियन काउंसिल्स ऑफ ऑल द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, कोहिस्तान से लेके तो रावलाकोट तक, और $6.2 मिलियन तकरीबन, ये को 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। आज हम एक तरह की लॉन्चिंग है इस प्रोजेक्ट की और दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, नॉट इन पाकिस्तान बट इन साउथ एशिया ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट, इसमें तकरीबन कोई 240,000 की पॉपुलेशन होगी बेनिफिट, अबाउट 40,000 हाउस होल्ड पे ये हमने इंस्टॉल करना है, मैसेंस को ट्रेन करना है, तकरीबन 4,000 मैसेंस ट्रेन होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। एज ए पॉलिसी, जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स बन रही हैं रिकंस्ट्रक्शन में, चाहे वो हेल्थ की है, एजुकेशन की है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, अब उस पर ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जितनी भी हमारी रिकंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर ये मैंडेटरी होगा। अब कुछ रिकग्निशन, जैसे हमने पहले बात की कि दिस इज द फर्स्ट एवर फॉर्मल पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव, इससे पहले पब्लिक सेक्टर में एज सच प्रॉपरली एक फॉर्मल वे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट नहीं लाया गया। दिस इज द लार्जेस्ट एवर प्रोजेक्ट एज आई सेड। नेक्स्ट, एरा हैज बीन द लीड एजेंसी इसमें। नेक्स्ट, we have shared this idea with different universities, aap concepts mein bhi ye shuru ho chuki hai aur different universities ke sath bhi ye hum share kar rahe hain। Next, it is really free, hame isko save karna hai for drinking, chalte hain washing, bathing, sanitation, kitchen gardening, small scale agricultural livestock everything, and we need to supplement this tap। Next, now these are some of the pictures of the Watson sector which we have done, Kamal Institute, Watson sector ki kuch थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आई एम रेडी टू आंसर, बट लेकिन ग्रुप सेशन होगा, ग्रुप वर्क होगा, आई थिंक उसका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट बनाया गया पैरा लेवल पे, और उस
प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के साथ काम करने के लिए आप लोग किस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा सूटेबल समझते हैं? क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ लीड एजेंसी ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग? आपकी इस पायलट प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान उस लीड एजेंसी का क्या रोल होना चाहिए? तीसरा सवाल है, व्हाट आर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल्स फॉर डिसेमिनेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट एट ग्रासरूट लेवल? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है ये नया नहीं है, लेकिन इसको जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है ये तरीका नया है और अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से इसको प्रमोट करने जा रहे हैं, तो इसकी प्रमोशन के लिए क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए? और आखिरी सवाल, व्हाट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स डू यू रिकमेंड फॉर प्रमोशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन केपीके? इसमें आप लोग अपनी जो डिपार्टमेंट्स के एनुअल वर्क प्लान्स होते हैं, वो जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है, वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, वो हर चीज को अपने ध्यान में रख के